निधि, ए निधि। हाँ दीदी। आई। सुन, हाँ ले एक काम कर, तू पानी भर ले जाके, ठीक है जी। और वो क्या कहते हैं, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, ठीक है, कुछ घर का सामान वगैरह लिया हूँ मैं, ठीक है। तू घर में ही रही हो, बहुत चीजें खत्म हो रही है थोड़ा। हाँ हाँ वही तो मैं कह रही, एक काम कर तू लिस्ट बना दे और मुझे दे दे, मैं जा रही हूँ जरा ना घर का सामान लिया हूँ। और कुछ मेरी नेक मेकअप वेकअप का भी सामान खत्म हो गया है, तेरा भी हो गया होगा ना, तेरे लिए भी मैं ले आऊंगी, ठीक है। जा तू लिस्ट बना दे, चल मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। आजा दीदी, थोड़ा ध्यान से जाना बाजार बाजार, तुम अकेली जा रही हो, माहौल आज ऐसा ही खराब है, तुम्हें पता ही आजकल का माहौल। अरे तू बेकार में चिंता कर रही है, माहौल मेरे लिए खराब है, साला जो मेरे तरफ आंख दिखाए ना मैं उसकी आंखें फोड़ दूं। तू टेंशन मत ले, अरे पगली तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, अब मेरे मुझ पे भला कोई आंख निकाल दे, जिंदगी खो देगा अपनी, जल्दी आना। हाँ और घर में रहना, कुंडी लगा लेना। हाँ ठीक। हाँ जब तक मैं ना आ जाऊँ खोलना मत, ठीक है जा। बहू, ओ बहू। अरे अरे, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, ये थैला वैला लेके कहाँ जा रही हो? अरे पिताजी मैं जरा बाजार जा रही थी। बाजार क्या लेने? घर पे जो सामान वामान खत्म हो गया है। अरे तो मैं बता देती, हम ले आते। अरे मेरे होते हुए तुम्हें क्यों टेंशन है, जब मैं हूँ तो मैं ले आऊंगी। चल जैसी है तू घूम भी आएगी। हाँ हाँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं घर में एडजस्ट कर लूंगी सारा सामान, ठीक है बेटा, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तुम जाओ घर, चले जाओ, ठीक है। और उसने छोटी ना खाना भी बना लिया होगा तुम्हारे लिए। चल तो खाया, जाओ, ठीक है बेटा, जल्दी आइयो, सही से जाइयो। क्या गुनगुना रहा है, सिंगर है क्या? ओ सड़क छाप सिंगर है तू, समझ में आ गई मुझे। अच्छा, इतनी बेसुरी आवाज तेरी है ही, तभी तो मैं कह रही था बेल रैक रहा कोई। मैं ये देख रहा था, ये इतना लंबा घूंघट और ये इतनी अच्छी चाल और चेहरा भी दिखा दो चांद। अरे यार तू कौन लगता है मेरे भैया जो मैं तुझे चेहरा दिखाऊंगी? अरे यार ऐसे की बात कर रही हो, हम तो ये कुछ चाह रहे हैं कि अपना हो जाए। और आप टच मत कर मुझे, बता रही हूँ मैंने एक घूसा मार दिया ना सीने में, हड्डी टूट जाएगी तेरे। मेरे बारे में पता नहीं है शायद, ना तेरे बारे में जानने का मुझे कोई शौक भी ना है। अरे जान लो, कुछ फायदा ही हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, तू तो मेरे लिए बड़ा वो महल तू महल वो बनवा देगा ना तू, ताजमहल तू नहीं तो बनवाया है वो। ताजमहल नहीं, मेरा बहुत बड़ा काम है। अरे टच मत कर, जब तुझे बोल दिया मैंने। तेरे चेहरे में वो जादू है, और देखते ही मैं मर जाता हूँ, चल हट अलग। अरे मेरी बात तो सुनो, आप तो एकदम नाराज हुए जा रही हो। अरे नाराज वाली बात ही है, तूने फालतू में वो क्या कहता रास्ता खराब करवा दिया। मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, कुछ आप भी अपनी तरफ से प्यार के फूल हमारी तरफ फेंक दीजिए, जिससे कि फूल नाली में पड़े होंगे, उठा ला। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत बला इस गाँव में देखी है, कसम से दूर से ही देख के एकदम दिल खुश हो गया मैंने, की कम से कम कुछ ना कुछ तो बात हो ही सकती है। कुछ नहीं होगा तेरा, चल हट जाने लगे यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे छू मत ना, ये सैंडल देखिए क्या नंबर की है, एक मारूंगी ना तो शकल पे छप जाएगी तेरे गाल पे, एक चाटा ऐसा मारूंगी खींच के जो वहां जाके गड़ेगा। अरे चाटा भी मार लो, कम से कम इसके बहाने तुम तस तो कर दोगी मुझे। अच्छा फांसी लगा दू तेरे? अरे नहीं, बता मरने के लिए तैयार है तू? साथ जीने के लिए तैयार हूँ, आप मरने की बातें कर रही हैं यार। अरे और मरने मरा तुझे शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया, शादीशुदा हो तो क्या आपका मन नहीं है क्या? क्यों, किसका मन है? अरे प्यार मोहब्बत का यार। अरे तेरी शक्ल देख के तो कोई प्यार ही ना करे। क्यों? ना ना ना। अरे ऐसा है, तू जाने दे मुझे, बहुत देर हो गई है। मेरी बात सुनो तो सही, मेरा बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, मोबाइल का बिजनेस है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ बन जाए हम दोनों का तो शायद। मैं तो बस इस चांद से चेहरे को छोड़, मैं ये छोड़। अरे सुन तो, छोड़ छोड़ छोड़, सुनो तो सही, सुनो तो सही एक बार। ओफो, अब बहुत हो गई है लैला मजनू की कहानी, समझ में आ गई ना, वो रास्ता दिख रहा है ना, मर जा जाके यहाँ से। अरे यार ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, कम से कम यार इस बारे में तो सोचो कि हम शायद आपस में मिलके शायद कुछ दूर से बात कर। चल कम से कम यार, तुम टच करती हो ना तो एकदम दिल में सुरसुराहट सी होती है। हाँ हाँ, आग लगने लगती है ना। अब मैं ये अब वो आग तुझे पता कहाँ बुझाएगा, और डाले मट्टी का तेल थोड़ा सा। मेरी बात सुनिए,
आप अगर तो टच वगैरह करे भी बात कर सकता है ना। ठीक है मैं दूर कर लेता हूँ अपने आप। हाँ बोल। अगर हम लोग दोनों की दोस्ती हो जाए तो आपको ऊपर से नीचे तक सोने में लाद दूंगा। चच्ची वैसे मुझे भरोसा नहीं है तुम जैसे लफंगों पे। अरे यार भरोसा एक बार करके तो देखो मैं कौन सा कुछ मांग रहा हूँ इस भरोसे के बदले। तो तू मांग भी क्या सकता है। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ ज्यादा नहीं बस एक छोटी सी चीज मांगूंगा अपना एड्रेस बता दीजिए। अच्छा एड्रेस मांग रहा है। मैंने सोचा कुछ और। नहीं अभी नहीं हाँ अभी नहीं मतलब नहीं सॉरी मैं मतलब वो थिंकिंग नहीं है मेरी। तो बता दी जरा एड्रेस कहाँ रहता है। वो तो मैं बता दूंगी एड्रेस पर चलो फिर मिलते हैं अभी मैं थोड़ा घर जा रही हूँ। चल ही जाना तो किसने मना किया है घर तो जाना ही है जीवन भर घर ही जाना है घर से जाना है घर से आना है। तो मैं तो ये कह रहा था अगर घर मकान का पता बता दे तो ज्यादा बेटर है। बता भाई अगर बाय द वे अगर मैं आपको कुछ आपके लिए कुछ लाता हूँ तो कम से कम उस एड्रेस पे तो दे आऊंगा डिलीवरी बॉय ही समझ लीजिएगा। तो तुम अगर मेरे घर पे आओगे तो डिलीवरी बॉय बन के ही आना। हाँ बिल्कुल बेशक क्योंकि एक मेरी देवरानी रहती है। मैं तो आपके लिए भिखारी बन जाऊँ ये तो डिलीवरी बॉय की बात है। कुत्ता ना बन जाओ। अरे कोई बात नहीं आपके प्यार में कुत्ता भी बन जाऊंगा। चलो ठीक है बहुत खुशी हुई कुत्ता नाम सुन के मुझे। अरे अम्मी ये तो बता दीजिए आप रहती कहाँ है। मैं पास वाला जो गाँव है ना। हाँ हाँ बराबर में एक गाँव है कंसेरा गाँव। हाँ हाँ उसी में रहती हूँ। तो घर कैसे पता पड़ेगा आप कंसेरा गांव तो बहुत बड़ा है कहाँ कहाँ किस किस के घर खटखटा था घूमूंगा। तुम एक काम करना बोलो वहाँ ये पूछ लेना कि जो वो दो बहुएं हैं ना निधि और सोनिया उनके घर जाना है होम डिलीवरी देने। निधि और सोनिया में से आपका नाम क्या है। मेरा नाम सोनिया है जो मेरी छोटी वाली देवरानी उसका नाम निधि है। हम दो मतलब हम दो बहुएं हैं घर में दोनों का नाम लोगे तो ही लोग जान पाएंगे एक का नाम लोगे तो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके तो नाम में भी सोना झलक रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब मैं जाऊँ। ठीक है बाय। क्या चीज थी यार दिल खुश हो गया। ये मेरे चंगुल में आ जाए ना तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इस लड़की को अपना तो बनाना ही पड़ेगा। इस गाँव में पहली बार कोई ऐसी कयामत दिखी है। मुझे लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा भी नाम सोनिया है। मुझे तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा था इसकी बातों में कि जैसे फेंक रहा हो। चलो जो भी है फेंक रहा होगा जैसे भी है सब पता लग जाएगा इसके बारे में। पर मेरा भी नाम सोनिया इसका नींबू सानी निचोड़ दिया ना तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं नींबू निचोड़ के बीज अलग फेंक दूंगी। अरे राम मैं तो थक गई ये पल्ला और तो थक गई निधि तो बड़ी थकान हो रही है पैदल ही पैदल पैदल ही पैदल। निधि आ दीदी एक आवाज में सुन लिया कर। हाँ दीदी बोलो। ले पकड़ ले आई सामान सारा सामान ले आई ले और सब्जी भी ले आई दीदी सब सारा सामान इसी में ही है। तो ये तो तुमने सही करा दीदी। हाँ सब सारा सामान इसी में ही है। ठीक है चलो अच्छा है दीदी। हाँ चल आराम कर लो तुम आ जाओ। हाँ 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 नहीं एक कप चाय बना दे अदरक वाली। अब चलता हूँ उस जलपरी के पास जो कल मिली थी और उसको ये फोन दे के आता हूँ। घर तो यही लग रहा है। अरे कोई घर में है क्या। सोनिया जी निधि जी शायद लगता है। निधि जी सोनिया जी। हाँ भैया आप कौन। अरे मैं अमेजोन से डिलीवरी देने आया हूँ वो सोनिया ये सोनिया जी के नाम पे पार्सल है फोन का। मुझे तो बताया नहीं। आप उनको बुला दीजिए वो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर देंगे जिससे कि मैं उनका फोन देता हुआ चाहिए। अच्छा रुको अभी मैं उनको बुलाती हूँ। बुला लीजिए। दीदी 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 कहाँ हो दीदी। हाँ हाँ बोल क्या बात है। अरे ये बाहर वो गेट पे कोई ले भी लाया आपने कुछ मंगाया था। हाँ मंगाया था कुछ वो कुछ ऐसा लग रहा है कोई। चल मैं देखूँ आ जा। जिंदगी की राहों में रंग मेरे। अरे आप जी दीदी आप इनको जानते हो। हाँ मतलब ये मैं नहीं मंगाया था। अरे मेरी शॉप पे आई थी ये। हाँ, ये हाफ पेमेंट जमा कर रही थी बोल रही थी कि हमारे घर पे फोन देने आया था अब हाफ पेमेंट तब ले लीजिएगा तो हाँ, वही डिलीवरी करने आया था वही लेके आई मतलब मैं नहीं मंगाया था जी। ये लीजिए। अरे अंदर आओ ना आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हो। चलिए
तुम ये बैठो। जी जी। निधि तू एक काम कर, वो पानी खत्म हो गया है, जा बाबू जरा जा कलसी लेके आ और जाके पानी भर के ला जा, जा जल्दी। सोच में पड़ जाती है, सुनती तो है नहीं। आ जा, आ जल्दी आ, जा पानी भर ला तू, ठीक है? जा। ठीक है दीदी, लाती हूँ। आराम से आ जाइयो, कोई जल्दबाजी मत करियो। ठीक है। अरे बगैर सूचना के चले आए तुम रेल की तरह। सूचना को तो ऐसे मुझे तुमसे मिलने के लिए अब सबको खबर देनी पड़ेगी ना। अरे तो कम से कम मुझे एक बार बता तो देते। यार रहा नहीं जा रहा था इसलिए चला आया। सच्ची में कसम से इतनी याद आ रही थी मुझे? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे वाह, फर्स्ट मुलाकात का फर्स्ट गिफ्ट। फाइव जी, चिंता मत करो, इतने गिफ्ट ला के दूंगा कि ऊपर से नीचे तक गिफ्ट में ला दूंगा तुम्हें। कुछ भी सही, अभी न्यू वर्जन आया था तो मैंने सोचा एक बीवी के लिए ले लिया जाए। अच्छा जी, ऐसी बात है? कसम से यार रहा नहीं जा रहा था तुम्हारे बिना, इसलिए दौड़ा चला है। इसकी ज्यादा जरूरत थोड़ी नहीं थी मुझे, आपकी तो जरूरत थी। कोई बात नहीं यार, तुम्हारे पास फोन नहीं था, अब मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि बात कैसे करूँ तुमसे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा। और लेकिन बाबू एक बात बताऊं तुम्हें, अब तो तुम आ रहे हो अचानक से, लेकिन अगली बार बताना फालतू में मेरी देवरानी। अब मैं कभी भी आऊंगा ना, मैं तुम्हारे पास फोन करके आऊंगा, टेंशन फ्री रहो, मैं फोन कर लिया करूंगा। वैसे मेरी कितनी याद आई तुम्हें, सच्ची में कसम से झूठे? अरे यार सच्ची, मैं सब जानती हूँ, ये फालतू की बातें हैं, कोई याद नहीं करता, अब तभी तक नाटक दिखा रहे थे। ये सब तो ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ। कैसी आ रही है बाबू? अरे यार क्या करूँ, तुम्हारी याद में बीमार हो गया मैं तो। अच्छा बताओ, अब एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मत पूछो क्या करते हैं, हस्बैंड की तो पूछो ही मत। क्या हो गया? कोल्ड स्टोर पर रहते हैं, बोरी डालते, इतना मोटा शरीर है, इतना मोटा, इतना काला है कि तुम उसे मेरे सामने खड़ा कर दोगे ना तो ऐसा गया कोई काला सांड है। कहां तुम चांद जैसा चेहरा हो, कहां तुम बता रही हो उस हिसाब से। अरे बस पूछो मत तुम। तो शादी क्यों की तुमने? मैंने? हाँ। मेरे माँ बाप पटक गए ऐसे कमीने को। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कहो तो हम दोनों शादी कर लें। राय तो सही है। हाँ। लेकिन थोड़ा समय देते हैं अभी। समय देते हैं अचानक से। हाँ, क्योंकि मेरे घर में जो देवरानी रहती है ना वो भी अभी ये हो जाएगी कि जो सोचेगी कि पता नहीं दीदी ने बाहर क्या ऐसा गुल खिला लिया। अरे नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं यार कह देना कि मतलब आए थे पहली दोबारा मुलाकात हुई थी तो इसलिए वो आ गए, अब ऐसे किसी को भगाया थोड़ी जाता है, पर बोल देना बहाने। और फिर तुम वैसे भी काफी माइंडेड हो मुझे पता है। देखो अब तुम ऐसा चले जाओ, मेरी देवरानी आ गई तो फालतू में शक करेगी, नहीं कहेगी होम डिलीवरी वाला, और यहाँ यहाँ अभी इतनी देर बैठा है, अभी क्या मतलब क्या है? मेरे जाने का तो मन नहीं है कसम से। तुम चले जाओ प्लीज बाबू, जाओ प्लीज जाओ, चले जाओ, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल रखूंगी। ठीक है बाय बाय बाय। जाओ तुम, जाओ ना पहले। अरे मैं तो चला जाऊंगा यार। तो तुम नहीं जा रहे? जा तो रहा हूँ। तो तुम जाओ, मैं बड़ी जल्दी पड़ रही है भगाने की। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ, कल पानी भरने मैं आऊंगी वहाँ पे। पक्का? हाँ कल मैं नदी पे आ जाऊंगी पानी भरने। वादा? हाँ वादा। फोन से? नहीं नहीं। हाँ चलो ठीक है बाय बाय। आँख मारने की क्या जरूरत है यार, अभी तो कोई बात ही नहीं। जाओ मैं ध्यान रखूंगी, साला आँख और मारना बंद कर। मुझे तो ये डिलीवरी बॉय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अचानक से, ये सब है क्या? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ बात तो नहीं है, देखती हूँ। बाकी सब सपने। अरे जी आप अभी गए नहीं क्या? अरे हुआ? नहीं नहीं, वो सोनिया मैडम ने थोड़ा चाय वाय पिलवा दी थी, बोल रही थी चाय वाय नाश्ता वास्ता करके जाएगी तो थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा जी चलो कोई नहीं, ठीक है। कोई लफड़ा लग रहा है, इतना टाइम हो गया, मैं इतनी देर में पानी लेकर आई हूँ, मुझे भी काफी देर हो गई आते आते, ये अब निकल के जा रहा है, चक्कर क्या है देखती। अरे दीदी दीदी, अरे दीदी आप फोटो में लग रही हो, वो मैं कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी बोल? नहीं कह रही, ये मोबाइल आपने कैसे कब मंगाया, मुझे तो बताया नहीं था आपने कि मैं फोन मंगा रही हूँ कुछ भी। अब तुझे बताना पड़ेगा, मुझे हर चीज़ मंगाऊंगी तो तुझसे ही जाए तो लेके हैं।
पर दीदी इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? निधि मैं ये चीज मंगा रही हूँ, मंगा लू अगर तुम्हारी जी भले तो। कोई बात नहीं दीदी, मंगा लिया, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब तुझे बहुत महंगा मोबाइल है। तू बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर रही है, अब तुझे ये भी बताने पड़ेंगे कि पैसे कहाँ से आए। चल जाके काम कर अपना, जा, बहुत बोल दी, अब तो जी बातें आ गई है इसमें, इनकारी कर रही है मेरी। निधि, ओ बहु निधि। हाँ पिताजी, आई। अरे बेटी क्या कर रही थी? कुछ नहीं, काम कर रही थी, बताओ क्या काम था? अच्छा, मैं ये कह रहा था थोड़ा पानी वानी पिलवा देते, तो इस माने कह रहा था, मैं घूमने आया था। कोई बात नहीं, वो कहाँ है बड़ी बहू? वो तो पिताजी, वो उसमें फोन पता नहीं कहाँ से उन्होंने पैसे कहाँ से आए, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा होगा। हाँ। अभी वो एक आया था बंदा, फोन दे गया, वो जब से उसमें फोन में ही लगी पड़ी है। फोन? हाँ, 20,000 का फोन है। 20,000 का फोन? बहुत अच्छा फोन है। है? जी कहाँ से ले आई 20,000 का फोन? 20,000 में तो हमारे जाने कितने बीघा खेतन में आलू उब जाते, गेहूँ उब जाते, गोभी उब जाती, मगर जी कहाँ से ले आई? बुला के लावा है? बुला रहे थे। चुगली करी होगी ना मेरी? नहीं दीदी, वो बुला रहे। आ गई पिताजी। आ गई? हाँ बोलो। हाँ, बहू हम तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बोलो। अरे मैंने सुनी कि 20,000 वाला फोन लिया है। हाँ पिताजी बिल्कुल लिया है। तो बेटा इतना बड़ा फोन क्यों ले लिया? जब छोटे से काम चल जाते थे ना, ये इतना बड़ा काई लिए ले ले। और फिर तो पर इतने पैसे कहाँ से आए? क्यों पिताजी, अब ये भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा हमें। बेटा हम बड़े हैं घर के, तो हमारा पूछने को हक है और तुम्हारा बताने को फर्ज है। अच्छा देखो, सुनो पिताजी, मैंने पैसे इकट्ठे कर करके धीरे 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 10, 5, 20, 50, 100, 200, 300, 500 ऐसे कर करके मैंने इकट्ठे करे। देख बेटा, बुरा तो मानिए मत, बात कह रहा हूँ मैं। बोलो। 10, 10, 20, 20, 100, 100 करके तू 20,000 रुपये इकट्ठे ना कर सकत। गलत कह रहे हो पिताजी, इतनी जल्दी ना कर लेगी, बहुत बहुत समय चाहिए। और तू फोन बड़ी जल्दी लाने की पड़ गई, तो ये बता तू ये कहाँ से लाई है फोन? मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताना। मैं नहीं बता सकती। अरे जा कहाँ से, और जो मैं लाई हूँ फोन जाके मैं आदमी ने दबाया मुझे फोन बस। अच्छा माने दबाओ जे, और आज के बाद मुझसे पूछियो भी मत। अच्छा चलो भैया, अच्छे लाई फोन, और जो तुम पे करो जा कर लियो जा। तो अभी कछु ना कर सके, करने को तो बहुत कुछ कर लेंगे, मगर अब कर ना सके कछु। चुगल खोड़ दो, ये ना चुगली कर दी मेरी। अरे बाने हमसे कुछ ना कहिए। हां बाकी ऊपर मथू पे तू सब बात। मैं जानू तुम दोनों ने, समझ में आ गई ना? तो मेरी चुगली ने दोनों के दोनों कम करा करो। अरे हमें बाने ने कह दी तो का है वो फोन की? अच्छी चलाऊंगी, ऐसी चलाऊंगी जो तुम दोनों पे किया जा। अब लगे कि तू चाहे। अरे मैं अच्छी चलाऊंगी, ऐसी चलाऊंगी जो तुम दोनों पे किया जा। कर लो तो क्या कर रहे, हमें काहे पैसा तेरो सब कुछ तेरा आदमी ने दबाओ। जा बेटा तू जा घर। आज इसके पास फोन करके देखते, इसने फोन भी दिया है मुझे। हेलो हेलो। हाँ सोनिया, इतनी देर कैसे लगी फोन उठाने में? अरे कुछ नहीं यार, वो पॉकेट में रखा था तो वो निकालते निकालते में टाइम लग गया थोड़ा सा। अच्छा हाँ, और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं यार, तुम्हें मिस कर रहा था यार। मैं कह रहा था कि मैं, अरे अगर मिस कर रहे होते तो मुझ पे कॉल तो कर लेते। अरे यार मैं तो डर की वजह से कॉल नहीं, तुमने तो एक भी बार कॉल नहीं करी मुझे। फैमिली की वजह से कॉल नहीं किया यार। हाँ हाँ, फैमिली मतलब? तुम्हारे घर में फैमिली है ना, तो इसलिए कॉल नहीं करता। ओ अच्छा, अरे तो मेरे पास रहता है ना फोन। अब देखो बेबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कि मुझे ना एक वो गोल्डन वाला, मतलब एक सोने का हार चाहिए। अरे बस तीन लड़ी वाला। इतनी सी बात? तीन लड़ी, बेफिक्र रहो। और सोने के कंगन भी, तुम कहो तो आज ही लेके आ जाऊं दोनों चीजें। सोने के कंगन और एक डायमंड रिंग। देखो डायमंड रिंग तो अभी एक दो दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन सोने के कंगन और हार मैं आज ही कर सकता हूं। अच्छा, और चांदी की मोटी मोटी भारी भारी पायल। हाँ ठीक है, वो सब आ जाएगा। अब तुम ये बताओ, आज आ जाऊँ तो सामान लेके? हाँ तो आज ही आ रहे हो ना। हाँ। आज ही आ जाओ ना, देरी किस बात की? मैं ये कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए यार। अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तो अब ऐसे भी तुम्हें क्या, तुम तो होम डिलीवरी वाले हो ना, कहते ना मेरा काम ही यही है। ठीक है चलो, तुम कह रही हो इतना फोर्स कर रही हो तो मैं लेते आऊंगा सामान। लेकिन बाबू लेके जरूर आना है ना। बेफिक्र। क्या बजे तक आओगे?
ज़्यादा ज़्यादा एक घंटा दो घंटे का समय दो, बस मुझे मार्केट से खरीद के मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है बाय, अपना ध्यान रखना है। ठीक है बेबी, तुम ध्यान रखना। ओके बाय, लव यू। साले घंटा दूंगी तो आई लव यू। हाँ भाई। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सर, आपको इस इलाके में पहली बार देखा है आप? सर पहली बार आया हूँ तो पहली बार ही देखोगे। मैं अपनी मौसी जी के यहाँ घूमने आया था। मौसी जी के यहाँ घूमने आए हो? जी सर, मौसी जी के यहाँ घूमने आया था। देखिए दो चार दिन रह के चला जाऊंगा फिर। अच्छा, कौन सी मौसी जी है भाई तुम्हारी? मेरी यहाँ शांति मौसी जी है। अच्छा अच्छा, ये कॉलोनी जो सामने वाली है? हाँ, इसी में। अच्छा अच्छा जी जी सर। अच्छा तो कहाँ से आए हो भाई, ये तो बता दो जरा मुझे। सर लिखिए। हाँ लिखेंगे, पहले अपना नाम बताओ। नाम मेरा है सर राहुल। राहुल ठीक है जी। अच्छा माताजी का नाम क्या है? माताजी का नाम कटोरी देवी। अच्छा कटोरी देवी। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम बच्चन लाल। बच्चन लाल जी। अच्छा ऐसा है, ये इसलिए इंक्वायरी ली जा रही है कि यहाँ पे पमाड़े होते रहते हैं आए दिन। सर उसकी टेंशन मत लीजिए, ये आपका वर्क है, आप कर लीजिए जो भी आपको पूछना है, मैं बता। क्योंकि ड्यूटी लगी हुई है मेरी यहाँ पे। नहीं नहीं, आप टेंशन फ्री रहिए, जो आपको चाहिए वो पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है, लेकिन ये है कि बस किसी भी तरह की कारस्तानी नहीं होनी चाहिए। मेरा इलाका है यहाँ पे और मेरी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत तरीके का लड़का हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल देख लिया तुमने, बचा दिया। अच्छा सर नमस्ते। ठीक है नमस्ते नमस्ते, जाइए जाइए। लग तो जी कुछ टपोरी जैसा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा शक होता है कि इसकी मौसी यहाँ कैसे रहती होंगी, इसका होलिया, इसका वेशभूषा। लेकिन चलो मुझे क्या, लेकिन मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है और आगे ये कोई कानून कर्तव्य भी करता है तो इसको तो मैं मुट्ठी में दबा लूँगा, देखता हूँ। अरे सोनिया जी, सोनिया जी, शायद सुना नहीं इन्होंने। सोनिया जी, सोनिया जी, पानी क्या हुआ? हाँ भैया। अरे मैडम नमस्ते, वो पार्सल था सोनिया जी का। पार्सल जी? ये हो क्या रहा है, अभी कल परसों तो अभी कभी टाइम नहीं हुआ, फोन आया मैडम था। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास तो ऑर्डर आता है, हम उसे डिलीवरी करने आ जाते हैं। तो हर बार आप ही आते हैं और कोई डिलीवरी बॉय नहीं है आपके मैडम? ऐसा होता है डिलीवरी बॉयज के जगह बटी हुई होती है, अब मेरा इलाका ये है तो मैं ही आऊंगा यहाँ। भैया मुझे क्यों पागल बना रहे हो? पागल मैं क्यों बनाऊंगा, आप बुला दीजिए। फिर से क्या मंगाया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, इसमें मोतियों के एक जोड़ी हार है और कुछ कंगन है सोने के। चलो ठीक है बुला। दीदी दीदी क्या है? सब देखो आप फोन में लगे रहते हो, सुनते ही नहीं। अब तो उससे पूछना पड़ेगा, काम बता क्या है। अरे वो आपने फिर से कुछ मंगाया है क्या? होम डिलीवर हमारा आया होगा। हाँ हाँ वही आ गया। दीदी क्या मंगाया आपने? अरे तुम बड़े उछल के बड़े खुश हो गए भाई, चक्कर क्या है? ऐसा क्या मंगा लिया फिर से, आए दिन ही आने लग गया है। चलो देखते हैं। आज बड़ा टाइम लगाया सोनिया ने, शायद आ रही होगी। बेबी मार क्यों रही हो? अरे इतनी लेट कहाँ हो गए तुम? कहीं नहीं लेट नहीं हुआ, ये लो सामान पकड़ो पहले, सब कुछ है। बैग बड़ा भारी है। अरे सामान भी तो भारी था यार, सामान भी तो भारी ही था। ना ना मुझे दे दो, अंदर आओ ना। चलो आओ बेटी, कितना अच्छा हुआ ना। अरे दीदी अब क्या मंगा लिया आपने फिर से? कुछ नहीं, मैंने आपने कुछ वैसे सामान मंगाया था। तू एक काम कर, जाके पानी भरला जा नदी से। अरे दीदी वो पानी तो सारा भरा हुआ पड़ा है। भरा हुआ पड़ा है तो तू घेर में चली जा। हाँ वो भैंस की ना वो सांकर है ना वो टूट गई है, तो वहां से दुकान पे जाइयो खरीद के बढ़िया सी, ठीक है ना? पिताजी से पैसे लेती जाइयो, जा 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 जा, जा। सोचती बहुत है, जाना। बेबी यार आप तो बहुत थकान हो, सच्ची में कसम से। अब तुम मेरे लिए एक कप चाय बना लो, थोड़ी देर। अरे हाँ यार, मैं अब फालतू में टाइम चाय बनाने में बर्बाद करूंगी, इतने में वो मेरी देवरानी आ जाएगी। चाय के लिए कुछ और टाइम बना ले फिर। और क्या, चलो एक काम करो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, ठीक है? एक काम करो तुम लेट जाओ। थैंक यू यार, मैं थक भी गया था कसम से, बोलने भी वाला था। अच्छा एक बात बताओ, पूरा सामान लाए? पूरा। क्या 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 मंगाया था तुमने? तुमने हार मंगाया था तीन लड़ी वाला और एक डायमंड रिंग थी। चार लड़ी वाला मंगाया था मैंने बेबी, तीन लड़ी था, याद करो।
और एक डायमंड रिंग थी उसमें। तुम तो मना कर रहे थे कि मैं नहीं ला पाऊंगा। अरे ऐसा था, फिर मैंने कहा कि अब बार बार क्या लेना, अभी एक शादी ले ले रहा हूँ। पायल मंगाई थी भारी, चार चूड़ियाँ हैं सोने की, सोने की दो दो। अब मैं ये कह रहा था यार, ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे ऐसे कब तक क्या चलता रहेगा, और वैसे वैसे तुम टेंशन मत लो, वो क्या कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं भी यही कहने वाला था, तुम यार महीने दो महीने के अंदर यार शादी कर लो, क्योंकि ऐसे छिप छिप के आना यार मुझे अब अजीब सा लगता है। प्यार करते हैं तो यार, प्यार करते हैं तो पूरे तरीके से करें ना, तरीके से। हाँ तो पूरे तरीके से हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, एक दूसरे पर तुम टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी शादी करेंगे और फिर एक नई अपनी दुनिया बसाएंगे। अरे दीदी ये सब क्या हो रहा है, ये कर क्यों रहे हो आप लोग? वो कुछ नहीं, पता नहीं अचानक इनकी कैसे भैया की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने बोला मैंने भैया लेट जाओ आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। दीदी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस तरीके। क्या अब तो इसका मतलब तू मुझ पे मतलब इल्जाम लगा रही है, मतलब मैं कुछ कर रही थी घर में? इल्जाम नहीं ना, इनका बार बार आना। और क्या कर रहे थे हम? कुछ नहीं कर रहे हम, ये इसकी भैया की पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई। मैंने भैया मैंने थोड़ा सा तुम आराम कर लो, फिर ये अपने घर के बारे में बताने लगे। ये बैठ, तू कोई ज्यादा वो है, तू हमारे लिए कोई एक्टर है? तू प्रधानमंत्री है जो हम तेरे हुकुम सुनेंगे? दीदी किसी अजनबी का इस तरीके से आना और इस तरीके से बैठना उठना, ये सब चीजें मुझे अजनबी नहीं है, ऐसे मैं जानती हूँ। ठीक है, ये दूसरी बार आ चुका है घर पे, और हम पहले भी मिल चुके हैं, घर पे आने से पहले नहीं मिल चुके? हाँ मतलब रस्ते में जो। हाँ नहीं यार, उस दिन तुम पेमेंट नहीं जमा कर दिया, जमा करने आई थी। चल जा यहाँ से अब, तू मेरे पे रोक झाड़ रही है, करती धरती कुछ है नहीं। तुम्हारी देवरानी ज्यादा होशियार नहीं बनती? बहुत ज्यादा है, काम लगाती है। कहो तो उसका काम खत्म कर दूं अभी। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, फंस जाएंगे यार, मर जाएंगे हम। एक काम करो, हमारा हो जाएगा, तुम निकल लो। ठीक है तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसको समझा के रख लेना, इसको जान से मार दूंगा। नहीं तुम ए दीदी, हाँ जी से मैं अच्छे से बता देती हूँ, इसकी अगर गल ठिकाने में ना लगाई ना तो मेरे ऊपर चढ़ के बात करेगी। हाँ दीदी। इधर आ, तू ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, समझ में आएंगे ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया दीदी? क्या कह दिया, तू तो बड़ी इंक्वायरी करती घूम रही है मेरी, और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, अब तो सब पूछ के करना पड़ेगा मुझे। है दीदी ये सब चीजें इस तरीके से ठीक नहीं है। घर में तो अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत। आपके हस्बैंड है यानी मेरे भैया, वो आपका घर खराब हो जाएगा दीदी, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। एक मारूंगी ना गाल पे खींच के तो तुझे पता लग जाएगा घर सही होगा या बिगड़ जाएगा। ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं तू होती कौन है बोलने वाली, और तुझे इजाजत कितने दी? अच्छा लगे या बुरा लगे ये मुझे पता है। ठीक है, आज के अंदर मेरे बारे में तू बोलेगी नहीं, वरना तेरी गर्दन काट दूंगी मैं। जीना चाहती है तो ढंग से जी ले इस घर में। दीदी हमारे घर की बदनामी हो जाएगी ऐसे। अच्छा मतलब मैं, मतलब मुझे अपनी मर्यादा पता नहीं है, हैं? चले जाके काम कर ले घर का, फालतू बातों पर ध्यान लगाती रहती है, घर का काम तो कुछ करती नहीं है। चल मैं आ रही थोड़ी देर में, जा। निधि, निधि घर में कोई नहीं दिख रहा। निधि। हाँ पिताजी आई। हाँ बेटा वो क्या हुआ, तुम तो काम कर रही हो, वो कहाँ है बड़ी वाली? वो भी यही है पिताजी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं थोड़ा मैं ऐसे देखने आ गया, तुम लोगों को घर पे सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है तो सब ठीक है पिताजी, पर हाँ, वो तो कुछ घबराई सी लग रही है बहू। कहो जो भी परेशानी मुझसे कहो। वो ना उस दिन जो एक मोबाइल वाला आया था, होम डिलीवरी वाला, हाँ हाँ, वो आज फिर से आया था, कुछ सामान मंगाया दीदी ने। अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पिताजी, मतलब मुझे गलत लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। अच्छा अच्छा, तुम्हारा से मतलब समझ गया बेटी मैं। मुझे वो बंदा कुछ ठीक नहीं लगता, बार बार उसका घर पे आना। तो आज आया था वो? हाँ आज कुछ सामान लेके आया बैग में बहुत सारा। अच्छा अब कहाँ है वो बहू? वो अंदर ही है। अच्छा चलो मैं उससे बात कर दूँ। सोनिया, सोनिया इधर आओ। हाँ बोलो पिताजी। पिताजी क्या कर रही थी वहां पर? क्यों
मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रही थी तुम? मैं अंदर कमरे में रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। अच्छा हाँ। वो कौन आया था घर पे मेरे पीछे? कौन कौन आता है यहाँ पे ये बताओ पहले, दोनों जनी। कौन कौन आता है? हाँ। कौन आया था मेरे घर में आज? कोई नहीं आया, तुम अपनी उससे पूछ लो, चाहती से। अरे मैंने तो उससे पूछ ली, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रहा हूँ कौन आया था। अच्छा मेरे मुँह से सुनना चाह रहा हूँ। कोई नहीं आया था, होम डिलीवरी वाला आया था। क्यों आया था वो? वो डिलीवर देने आया। क्या डिलीवरी, क्या मंगाया था तुमने? डिलीवरी करने आया था। क्या मंगाया था? अब ये मैं जरूरी समझती, बता। क्यों नहीं जरूरी? नहीं मैं बेटे, ये देखो कि ये सारे मोहल्ले में बात फैले अच्छी नहीं लगेगी कि आए दिन उनके यहाँ एक लड़का आता है, चाहे वो होम डिलीवरी वाला हो या होम डिलीवरी वाला हो, मगर ये देखो कि घर में कौन सा आदमी होम डिलीवरी लेता है? दरवाजे पे सब लेते हैं कि घर में लिटाते हैं उसको बिठाते हैं, ये बताओ। अरे उसे मैं थोड़ी सी जान पहचान हो गई, वो मुझसे दीदी। क्या जान पहचान, चाहे दीदी कहे या कुछ भी कहे, मगर हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आकर रहे, समझ गई? देखो पिताजी, हम कहते नहीं है, जब तक कहते नहीं है, कहते हैं तो बहुत बुरा कहते हैं। अकल ठिकाने में हो तो आप सही से समझ जाओ मेरी बात को कि वो यहाँ नहीं आना चाहिए। मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। ऐसा है, जवानी में तुमने तो कुछ किया नहीं होगा, हमारे जवानी में सीधे लग रहे नहीं हो, अब बुढ़ापा आ गया तो सीधे बन गए, वैसे जवानी में कुछ किया ही नहीं होगा तुमने, है ना? हमने कुछ नहीं किया, हमने ये फोन नहीं चलाए। अरे आप बोल कहाँ से रही हो दीदी, बात तो सही से करो, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तुझसे सीखना पड़ेगा। समान है, तुझसे सीखना पड़ेगा कि मैं बात कैसे करूँ कैसे ना करूँ। तू हमारे घर की अम्मा हो गई अब। अरे तुम भी तो गलत बोल रही हो उससे, तुम्हें बोलना चाहिए इस तरीके से उससे, वो तुमसे दीदी कहकर बात कर रही है। कुछ भी करोगी तो इतना तो कहना पड़ेगा ना, बोले ऐसा है दोनों पे दोनों, मुझे बस सीख दो, खुश कर लो पहले। हाँ तुम बहुत बढ़िया हो दोनों पे दोनों। हमने तुमसे कहा ना वो हमारे घर नहीं आना चाहिए, जो भी है ऐसा है, तुम्हारा भाई हो या कोई भी हो, ऐसा है घर मेरा भी है। हाँ पहले बनता है मेरा भी, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो मर जाओ ना जाके। अरे मैं क्यों मर जाऊँ, जब आई नहीं है, मैंने कोई ऐसे काम थोड़ी ना करे जो मैं मरूंगा। तुमसे कही कौन रहा जिंदे होने के लिए, मर जाओ। आज ऐसी बात है तो आज अंदर बेटा को मेरे को, जब देखियो तेरी जो मरम्मत ना लगवाई मैंने और तेरी मट्टी खराब ना करवाई, जब कह रही तू अभी मान जा, हम कह रहे हैं हम बेटी की तरह तो समझा रहे हैं, मगर तू समझ में ना आई। तुम जे और वो तुम्हारा बेटा, तीनों जने आ जाएंगे, वो तो पोटू छुआ के दिखा दियो, तीनों के तीनों जेल में चला दूंगी। अरे जा जेल में सड़ाने वाले आ गए, जीते जी मार दूंगी तुम्हें, जीते जी मार दिया। मर गए 360, अभी 360 ही तो ना। आज आज अंधे आज तेरी मरम्मत ले, तेरी रंग पट्टी करवानी है मुझे। आ तो तुम आ जाइयो, और दो चार अन्य और बुला रही हो संग में। देख रही है तमीज है बोलने की, माँ बाप ने कुछ सिखाया? तू बुला रही हो अपने पिताजी, तुम भैया पढ़ी लिखी है, जाहिर गवार। आ जाओ चल, तुम भैया जा देख लूंगी मैं, तुम कैसे जा घर, और जब होगी शाम को देखूंगा जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आ जाएगी ले महिला, आज यही तो बात कर लू। निधि, ए निधि बोलो। दीदी अब क्या हुआ? दीदी की बच्ची तू ये बता क्या चाह रही है? मैं कुछ नहीं चाह रही दीदी, मैं ये चाहती हूँ घर में सुकून बना रहे, शांति से रहे सब लोग। तू रहने दे तब ना किसी को, तू रहने देगी? दीदी चीजें अच्छी नहीं है, ये जो ड्रामा चल रहा है ना तुम्हारा, ये सब ठीक नहीं है। अच्छा तो अब तुझसे सीखना पड़ेगा कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज मतलब खराब है, ये है। एक बात बताओ, किसी अजनबी को आप घर में बिठा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, चारपाई पे लिटा रहे हो, उसके साथ आप भी इस तरीके से बैठे हो, कोई भी गलत सोचेगा, ये तो गलत है ना। कल को पड़ोस में किसी को पता चलेगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? देख सुन, तू अपने माँ बाप की इकलौती है, इसीलिए मैं तुझसे कुछ कहती नहीं हूँ। कल को तेरे माँ बाप ये कह देंगे मैं इसकी जेठानी अत्याचार करती है, लेकिन तू अपनी आदतों से बाज नहीं आती है, तुझे जिंदा रहना है इस घर में, तेरा एक एक अंग काट के ना, समझ में आ गई ना, और बोरी में भर के गंदे नाले में बहा दूंगी, समझ में आ गई? सोच ले और समझ ले, मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लियो, अगर इस घर में तुझे जीवित रहना है तो, और मरना है तो पहले बता दे। ये 10 तरीके मुंह मत बना के दिखा मुझे, तू चुगली लगाती है उस बुड्ढे से? हैं? मैं कोई चुगली नहीं लगाती दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका यहाँ पे। नहीं अच्छा लगता तो यहाँ से भाग जा, चल कहीं जा, मत रह यहाँ। अभी घर है, मैं कहीं नहीं जा सकती। तो तेरा घर है तो सही तरीके से रहना, दूसरों पे निगाह क्यों बढ़ाती है अपनी? दीदी आप कहना क्या चाहती हो, आपका मतलब क्या है कहने का? मेरा मतलब मैं बताऊं तुझे साफ साफ, अब बता दूं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा यार है, वो मेरा लवर है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा आशिक है। बोल, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे करता है, और वो कोई होम डिलीवरी वाला नहीं है, वो मेरा आशिक है, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। बता तू क्या करेगी, बता बता, कुछ करना है तुझे? मैं क्या कहूँ दीदी? हाँ तो कुछ कह नहीं सकती, तो तू जाना अंदर, और तू जीभ हलाइयो भी मत ना आगे।
सोच, अगर तू मेरे बारे में कुछ बोले तो बहुत सोच समझ के, और अगर वो घर में आता है तो बगैर कहे अपना काम घर से बाहर निकल जाइयो, कहीं कहीं निकल जाइयो, कहीं कोई काम धंधा करने के लिए, समझ में आ गई ना? और अगर ऐसा नहीं किया तो तू इस घर से फिर हमेशा के लिए निकाल दूंगी तुझे, समझ में आ गई तुझे? ठीक है दीदी। हाँ कुछ भी क्या करो, कुछ भी करो। साले कुत्ते हैं, सुअर है, हराम ही है साले, ये एक नंबर के है ना। ये कोई आदमी अगर प्रेम कर रहा है तो उनकी खुजली है, खुजाते हैं, जब तक अपनी पूरी तरीके से खुजली नहीं मिटा लेंगे ना तब तक इन्हें चैन कहाँ पड़ता है, साले कमीने कहीं के। पिताजी। अरे कहाँ जा रही हो? दूध दूध लेने आई थी मैं। क्यों, वो कहाँ गई? वो घर पे। क्या कर रही है घर पे बैठे? कुछ नहीं कर रही, फोन में लगी है वो तो। अरे वाकई फोन ने तो मिट्टी खराब कर दी, बस फोन ही है जो भी है। पिताजी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कैसे मतलब, क्या अब क्या हो गया? उनकी कुछ बातें होती है आपस में, मुझे कुछ गलत लग रहा है, ऐसा ना हो हमारा कहीं घर बर्बाद हो जाए, सब कुछ उजड़ जाए। अच्छा। हाँ पिताजी। तो मतलब अब भी कोई बात है अभी, मतलब इतना डांटने के बाद भी? हाँ वो अभी भी बात करती है और घर में बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है, दो दो घंटे तक फोन पे बात करना, वीडियो कॉल करना, उधर से मैंने देखा था उसका भी फोटो आ रहा था, वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे दोनों। अच्छा अच्छा, कुछ गलत ना हो जाए पिताजी, बहुत डर लग रहा है। ना करो, आ जाएगी। अब मैं सोच उससे समझा के जा रहा हूँ बहू कि मैं जाऊँगा पुलिस पे, जैसे तो मानेगी ना, वो लड़का से कहूँ वो भी भाई के अंटर में ये सब, तो जैसे तो जो कछु करेगी पुलिस बचाएगी मेरे घर को, चाहे जा कम को ले जा, मुझे चिंता ना, मगर मेरा घर तो बचेगा, तेरी मेरी जैसे लौंडा की बेइज्जती तो ना होगी जगह में पूरे में। और जैसे वो लड़का आए घर में तो तू कुछ मत करी, चुपचाप कैसे करके कब बालक के हाथ के अम्मो खबर भेज देगी जब मैं आऊँगा पुलिस से लेके, जब आपको रंगे हाथ पकड़वा के वाकई जो गट्टे लेकरवाने, जब मोटी को लेकरवाने और जब के लेकरवाने, सही है? ठीक है पिताजी। तो तू अब ले आ जा, नहीं तो ना तो तू घर जा, मैं लेके आऊँ, फिर मैं ले आऊंगा, ले आऊंगी, आपसे नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत ना, मैं ले आऊंगा, तू घर जा, घर की देखिए वो आना जाए और तू कैसे करके सूचना दे दे। ठीक है पिताजी। ठीक है। अब मंगाती हूँ मैं मोटी सी रकम जो एकदम मेरे पास बनी रहे, सेफ रहे। हेलो। हेलो बेबी, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे नहीं बेबी, उठा ही रहा था, बताओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें मिस कर रहा हूँ यार। खाना पीना खा लिया? हाँ बहुत देर का। और क्या हो रहा है, तुमने कुछ खाया कि नहीं? अरे मैंने तो खा लिया। अब तो कोई टेंशन नहीं है? वो देवरानी तुम्हारी कुछ कह रही थी ना उस टाइम? अरे नहीं नहीं, बस ऐसा है कि वो कुछ नहीं कह रही, वो उसकी टेंशन मत लो, मेरे मारे सबका पेशाब निकलता है। चलो अच्छी बात है। बताओ कुछ काम था क्या इतनी? हाँ बाबू मुझे बहुत अर्जेंट काम था। बताओ। वो एक्चुअली मुझे ना 50,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है। अरे यार तुमने भी ऐसे एट ए टाइम पे बताया, बताओ मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मान लो क्योंकि 2 लाख रुपए के आसपास था, मैंने सारा जेवर खरीद लिया उससे तुम्हारा। देखना मुझे आज इतना अर्जेंट काम है, इतना अर्जेंट काम है, इतना। चलो ठीक है, मम्मी के पैसे रखे हैं मेरे पास, उन्हें मैं ला के दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है बेबी, तुम कितने अच्छे हो मेरे लिए, बताओ अपनी मम्मी के पैसे चोरी करोगे? नहीं चोरी नहीं करूंगा, वो रखे हैं, वो मेरे पास ही रखने के लिए दिए थे उन्होंने, अब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें दे जा रहा हूं। ठीक है ठीक है। ओ मेरी सासू माँ के। हाँ हाँ ठीक है, लिया ठीक है बेबी, बाय। पैसे तो ले लिए, अब ऐसा है फटाफट सोनिया के पास चलता हूँ, उसे दे के उसका काम जारी हो जाए। एक सफर है सुहाना। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी सर। अरे भाई एक बात बताओ जी सर, अब फिर क्यों जा रहे हो उधर? अरे सर काम था, अब मौसी के घर का सामान लेने आया था कुछ, उन्होंने बैंक से पैसे निकालने के लिए दिए थे, तो मैं बैंक से उनसे उनके 50,000 रुपए निकाल के लेके। अभी तो तुम कुछ दिन पहले मौसी के घर पर ही थे। तो ऐसा है सर, उन्होंने ही कहा था कि मेरे ATM से मेरे बैंक से पैसे निकाल ला, तो उनके 50,000 रुपए लेके आ रहा हूँ। इधर नहीं कुछ, इधर बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बात हो गई जी सर तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सर जब मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो आप फालतू में जेल में डाल देंगे। मैं समझा रहा हूँ आपको, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अरे वही बात, मैंने तो आपकी मम्मी और पिताजी का नाम लिख लिया, आपका नाम राहुल है और मम्मी का नाम कटोरी देवी है और पिताजी का नाम बच्चन लाल जी सर। हाँ मैंने सब उतार लिया इसमें, आप चिंता ना करें, लेकिन मेरे समझाने का एक तहत उत्तर यही है आपके लिए कि कोई भी गलत काम मत कर बैठना। नहीं नहीं सर आप टेंशन फ्री रहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके सर ओके, अब मैं जाऊं सर? हाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, जाइए।
सोनिया सोनिया बीबी फटाफट आ सोनिया सोनिया हाय बेबी तुम आ गए। हाँ बेबी मैं तो ऐसा मन कर रहा तुम्हें कंधे पर सर रख के सो जाओ। बाबू कंधा टूट जाएगा। हा? ये लो। क्या? कुछ नहीं यार वैसे मजाक कर रहा था मैं अपनी बेबी से मजाक भी नहीं कर सकता। बाबू लिया है? हाँ इसी में। अंदर तो आओ चलो। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना मैं दे दूँ सारा प्यार उसको। यू कैन गो जाओ गोबर डालो। आउट। तुम नहीं बेबी। ओके गो 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 गोबर डालो। मैंने आपको बोला था पिताजी ने भी इतना समझाया फिर भी आप। मैंने कहा जा जा जल्दी जा बेबी जा दीदी ये सब गलत हो रहा है। हाँ तू मत सिखा जा। आउट। ये लड़की पागल फागल हो गई है। अकल वकल है कि नहीं तुझमें कि डालूं अभी है इतनी देर से देख रहा हूं तेरी चपर 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 चपर। बेबी उड़ा दूं इसे। नो अभी नहीं चल निकल। आउट। जाना फालतू में मेरा सुनाई नहीं दिया अभी बताती हूं। जाना मेरा आशिक मार दे ले मार देगा तुझे। अब चले बेबी चलो। मुझे नहीं रहना अब इस घर में। मैं सब कुछ बता दूंगी पिताजी को। देखती हूँ। क्या बात है क्या बात है बेटी? बेटी क्यों रो रही हो क्या हुआ? पिताजी वो दीदी ना आज फिर से वही ड्रामा किया। अच्छा अच्छा वो मानी नहीं और वो डिलीवरी वाला फिर से उसका वही ड्रामा और आज तो मुझे उसने बंदूक भी दिखा दी। अच्छा अभी कहाँ है वो दोनों अंदर है? पिताजी वो बोल रहा था कि तुम्हें मैं मार दूंगा। अच्छा वही जो है देखूं भाई आज। पिताजी कुछ करो बहुत आज हो रहा। आज जाइए या मैं ही चल चल हम दोनों पुलिस पर चलने। चलो पिताजी आ बेटा आ। राम 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 जी बाबू बैठिए भाई। नमस्ते जी नमस्ते बैठ बेटा। अरे इंस्पेक्टर साहब। हाँ बैठी बाबू जी हमारी जान बड़ी। अरे राम तू ले ले बड़े। अरे कैसे आना हुआ? अरे बड़ी आफत में हम तो। अरे बाबू जी कैसी बात करते हैं हमारे होते सोते और हमारे एरिया में। अरे जी तो परेशानी है सबरे के सबरे होते हुए भी और चढ़ाइए संग खेत से उड़ जाते। अच्छा तो आप बताइए क्या परेशानी है? परेशानी हम तुम्हें कैसे बताए बड़ी आफत में कि देखो हमारी एक बहू है ना बड़ी वाली। अच्छा तुम्हारी छोटी बहू है? ये आपकी छोटी बहू। हाँ वो अच्छा। बड़ी वाली जो है एक डिलीवरी वालों का ही है। अच्छा। वो आता है घर पे। अच्छा जी डिलीवरी के बहाने कभी तो कछु ले आएगा वो फोन ले आएगा। अच्छा इतना मोटा फोन है वहाँ पे बहू पे हमारी पे। अच्छा जी और भैया ज्यादा कछु का उतर राखे आ रही है फिर लड़कों को हमारे भाई के चक्कर में। अब वो घर पे आ गया और हमें हमारी बहू के पीछे तो बंदूक बंदूक तान दई आज उन्होंने। अच्छा बाबू जी तो ये बात अब एक मिनट। हाँ बेटा आप बताओ। सर वो हमारे घर पे काफी टाइम से आ रहा है। पहले फोन देके गया था फिर ज्वेलरी वगैरह लाया और अब पता नहीं क्या लेके आया। आए दिन किसी न किसी बहाने से आता रहता है। अच्छा आपके घर? मुझे उसकी आदत कुछ ठीक नहीं लग रही और उसकी वजह से तो वो दीदी मेरे को डांटने भी लगी है लड़ने लगी है मेरे से। आप दोनों ने कुछ कहा नहीं दीदी से? बहुत कही भैया बहुत कही मगर बाद में वो इतनी ताकत है। अच्छा। भैया वो हमें मार डालेगी बड़े बूढ़े मार देगी जाके तो कर देगी मट्टी खराब जाए तो ऐसे समझते जगह से नौकरानी है और मुझे तो ऐसे समझते कुत्ता है काजी तो जैसे भाग भाग कर लूंगी और वो भग जाएगा खाके। अच्छा वो मतलब ये स्थिति है आपके घर में ही आप दोनों पे तानाशाही दिखाती है। हाँ, हाँ। मुझे बंदूक भी दिला दी अब तो हद ही कर दी उसने। आज तुम्हारे हद कर दी कि मेरी बहू के ऊपर बंदूक तान दी जब आयोग में हार के बहुत। बंदूक किसने तानी दी आपके ऊपर? वो उसी लड़के ने वो कह डिलीवरी वाले ने। हाँ, अगर तुमने किसी को बोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुमने कुछ कहा तो बताओ की इतनी हिम्मत है। अब कुल मिला के बात ये उनके हम FIR लिखनी है। मारे ना कर रहे जब से के घर की इज्जत बच जाए। अच्छा मगर वो नहीं मान करो इंस्पेक्टर साहब तो आज ऐसा करो कि वो बहू भी चली जाए थाने में ऐसे डंडा मारिए वहाँ के का याद रखे। आप चिंता ना करें अब्बा को छोड़िए मत। अच्छा आप अपना नाम बताएं। मेरा मंगल। मंगल अच्छा आप अपना नाम बताएं। निधि ठीक है। अच्छा ये घर कहाँ पर है आपका? अरे वही ऊंची से चढ़ाई वाला ना छुकरा मोहल्ला। छुकरा मोहल्ला भाई मैं चले जाइयो। अब ऐसे हम संग चल रहे तुम संग चलो। हाँ हाँ बिल्कुल अभी वो है घर पे। वो अभी घर पर ही है। हाँ तो बाबू जी अगर वो अभी इसी टाइम है तो मैं आपके हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है। अरे हम तो
मैं बड़ा बूढ़ा हो जाए कानू ने हमारा तो दे दिया कान ले गए बस चले आप चलो चलिए आई आओ आई बेटे चल देखो जी घर है यही वाला यही है ठीक है आओ 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 चल बेबी ये जमीन रुक जाए देखो देखो जिन्हें ये बताइए क्या चल रहा है कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब ये मेरा भाई था इसके सर में दर्द हो रहा था तो मैं दवा रही थी शट अप तुमसे बात की मैंने हाँ कहीं ना जाकर भैया भैया जी हो तो शादी में ना मिलते हो कि बाद में ना चलते हो बाबूजी आप चिंता ना करें आपकी बात को रखी जाएगी आप चिंता ना करें हमारी बात पे है हाँ भाई जी सर पहले शक्ल ऊपर कर ऊपर तू वही है ना जो मैं यहाँ पे ड्यूटी देता था चौराहे पे और तू मेरे को नाम बताता राहुल और तेरी मम्मी का नाम क्या था कटोरी देवी और बच्चन लाल तेरे पिताजी का नाम था हैं और यहाँ क्या कर रहा है सर ये मेरी कौन है ये मैं इनसे प्यार करता हूँ सर देख लो हैं और तू मुझसे क्या कह के आता था कि मेरी मौसी रहती है इस कॉलोनी में सर अब इतना तो मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि इस कॉलोनी में बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं कहीं तू चक्कर में ना आ जाए तो इसलिए मैंने तेरे को पहले से ही एग्री किया था और हाँ मैम ये बताइए ये इस घर में ये तुमने ये नाटक जो रचा रखा है ये क्या है ये मतलब हमारे बड़े बूढ़े बाबू जी हैं और एक साथ की आपकी बहनें हैं जाने मतलब खराब कर दी जा लोड़िया की तो बहुत कर दी अरे सुनो इस पे ले जाओ ये अपनी गलती बता रहे हैं मतलब मेरी गलती बता रहे हैं अपनी गलती नहीं बता रहे बाबूजी के पास एक बंदूक भी आपने बताई दिखा रहे थे बंदूक कहां भाई इन्होंने मुझे मारने की कोशिश बंदूक कहां है सर बंदूक नहीं है मेरे पास है ये सर आप तलाश सर बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा बंदूक निकाल के देखिए मेरी अगर बंदूक है तो सीधे हाथ से इधर रख दो सर नहीं है मेरे पास मैं क्या वरना अगर मुझे निकालना पड़ गया तो मैं फिर तलाशी लो सर तलाशी लेके जी रही मतलब पुलिस को पागल समझते हो मतलब बता हमें मरवा दी थी जी तो कई दिन आता पाई करते जैसे अब ऐसा है कि तुम्हारी जो है ये जो जवाने हैं ना का भाई दिमाग में दिमाग क्या बात है ले यार जाओ ले जाओ हाय मैम तुम्हारे लिए तो महिला पुलिस भेज रहा हूं लेकिन आप यहां से पहले बाहर निकलो हां बाहर चलो गेट आउट तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा सर 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 जी सर तुझे जेल करा के मानूंगा सुन रहा है नहीं अब नहीं कर रही मैं पर्दा पर्दा हैं ना मत करे जा ये तो शर्म बाबूजी मैं आपको क्या बताऊं कि शर्म तो आपके घर की गई देख बुड्ढे मैं तेरे बेटा को और तेरे घर में तो बिल्कुल ना रहूंगी तू ऐसे घर पे ऐसे बेटा बहुत तुझ पे मुझे ऐसी बहू चाहिए भी ना पहले इसी के साथ रहूंगी और इसी के साथ जेल में अरे मर दुनिया में कछु कर मुझे छह महीना में साल में कभी तो हम छूटेंगे और शादी करेंगे तेरी आंखों के सामने कर ले जा हां ठीक है चलिए चलिए बाद में जाऊंगी चल भाई चल चल तो छोड़ ले जा दे तुझे ले जा बदला जरूर लूंगी अरे जा चल जा तुम दोनों को जेल बेटा हम तो यही समझेंगे भाई बड़े बेटा को भी यही ना भाई जैसे तो अच्छा होगा दुनिया में थूतू होती हमारी तो वैसे तो अच्छा होगा चली गई कर ये कार में चल